तो फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम विकास और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बनास बजा के। तो फ्रेंड्स आप लोगों में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स इस फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में, जो सबसे बड़ी सेल है बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, काफ़ी सारे भाई अपने अपने प्रोडक्ट को मन मुताबिक जो भी प्रोडक्ट्स था वो परचेज नहीं कर पाए, यानी कि स्मार्टफोन अपना परचेज नहीं कर पाए। और यहाँ पे आईफोन भी जो था उसके भी प्राइस बढ़ गए और कई सारे स्मार्टफोन तो ऑर्डर होने के बाद भी कैंसिल हो गए। ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली इस सेल में और फिर प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं कर पाए। तो मुझे काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैंसिल हो गया है और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अभी बढ़ गया है, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को दोबारा से कम डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो आपका भाई इसी के सब के बारे में बात करने वाला है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता ही देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जैसे एंड होती है, इसकी दिन समाप्त होती है, तो आपको एक नई सेल देखने को मिलने वाली है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में दिवाली देखने को मिलेगी और उस दिवाली के उपलक्ष में आपको बिग दिवाली सेल देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे, और अमेजन पर भी आपको बिग दिवाली सेल देखने को मिलेगी। दोनों जगहों पर आपको दिवाली सेल देखने को मिलेगी और जो ऑफर्स अभी चल रहे हैं उस टाइम पर भी आपको ऑफर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे बैंक ऑफर हो सकता है चेंज हो जाए, बैंक तो चेंज होगा ही, और वहाँ पे बैंक ऑफर चेंज होने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट इस टाइम पर जितने प्राइस कम देखने को मिले हैं हो सकता है कि उस टाइम पर भी देखने को मिले। और यहाँ आईफोन और रियलमी 9, जीटी न्यू 23, इस तरह के कई सारे स्मार्टफोन हैं जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिला था और ऑर्डर करने के बाद कैंसिल भी हो गया था, ये प्राइस कम की वजह से ही हुआ। लेकिन आपको मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों को बताया है कि आपके प्रोडक्ट जो ऑर्डर हुए थे वो कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको ऐसे अगली सेल में क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपका प्रोडक्ट कैंसिल ना हो। तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में या फिर आई कार्ड में लगा दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बिग दिवाली सेल की जो डेट होगी वो आपको अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाएगी दिवाली से पहले ही, तो आप उस सेल में जाकर के अपने प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जहाँ पे आप अच्छे दाम में परचेज कर पाएंगे। और बैंक ऑफर भी हो सकता है कि अभी काफ़ी सारे भाई के पास ये भी प्रॉब्लम्स थी कि उनके पास ICICI और एक्सिस बैंक का कार्ड भी नहीं था, किसी के पास SBI बैंक का भी कार्ड नहीं था, तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपको कोई और बैंक देखने को मिल जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखने को मिल सकता है, और भी कई सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आपको वो सभी देखने को मिल सकते हैं और आपको वहाँ पे अच्छे लेवल का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट है जो आप अभी नहीं ले पाएँ, आप नीचे कमेंट करिएगा जिससे मैं आपकी उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ कि आपके ये प्रोडक्ट अभी उस टाइम पर देखने को मिलेंगे, सेल में डिस्काउंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर पा लिए होंगे, अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।